तो हेलो गाइस, तो कैसे सब लोग भाई? तो उम्मीद करते हैं काफी अच्छे फ्रेंड्स। आज की स्टोरी के अंदर हम क्या करने वाले, चैलेंज करने वाले भाई 24 घंटे इस कार के अंदर। हमने अंदर देखो बेडरूम से बना लिया, एक बार दिखाओ यार पब्लिक को। तो यार ये देखो गाइस किस टाइप से हमने इसके अंदर जो है बेडरूम सा बना लिया है, ताकि हम इसके अंदर 24 घंटे रह सके, आराम से खा सके और सो भी सके, क्योंकि बस हमें इसके अंदर 24 घंटे आराम करना है, इसके अंदर ही बिताने कार के अंदर ही। तो बेसिकली हम क्या करने वाले, जाएंगे इसके अंदर। अभी टाइम हो चुका है लगभग से 9:10 हुआ था, अभी 12 हुआ है, 9:12 मतलब लगभग 9:10 पकड़ के चलो। तो इस टाइम जो हमें टाइमिंग हमारा शुरू हो रहा है, जयेश भाई और हम दोनों इसके अंदर रहने वाले। तो चलो जल्दी फटाक से चलते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। तो चलो अंदर। सो गाइस, तो हम गाड़ी के अंदर आ चुके और अभी हमारा टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ टाइमिंग क्या होगा गूगल से पूछ के। ओके ओके गूगल, व्हाट इज टाइम? द टाइम इज 9:14 AM। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि सुबह के 9:14 हो चुके और हम जो है लगभग 9:10 के अंदर ही हम गाड़ी के अंदर आए हुए। अभी हमें अगले दिन तक 15 तारीख तक, जो है आज 14 तारीख है, और हमें 15 तारीख तक 24 घंटे हमें इस गाड़ी के अंदर ही बिताने, गाड़ी के बाहर थोड़ा सा भी नहीं जाना है। अब देख पाते हैं कि क्या जयेश भाई गाड़ी के बाहर जाएंगे या फिर मैं गाड़ी के बाहर जाऊंगा, मतलब कौन ज़्यादा 24 घंटे इसके अंदर रह पाएगा। तो चलो चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। और भाई अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी ना, लाइक का बटन तो यार ठोक देना, लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई अपना चैलेंज। यार गाइस धूप का मजा लेना होगा, इसलिए हमें जो है इसको निकालना पड़ता है। ये देखो इसको निकाल देते यार, ताकि अंदर धूप आ सके थोड़ी बहुत, अभी फ्रेश अंदर धूप गाड़ी के अंदर। इस साइड को ऐसे रह देते ताकि बाहर की नॉइज अंदर ना आ सके यार, हमें कोई परेशान ना कर सके, इसलिए हमने इसको लगा दिया। और गाइस आगे की साइड में हमारे है ट्राइपॉड, इसको ले लेते पीछे, ले लो। अभी इसको हमें सेट करना होगा। और भाई ये है लाइट और खाने पीने की भी चीज़ें हमारी आ रही है अभी थोड़ी देर के अंदर, वैसे थोड़ी बहुत आ चुकी थी, हमने इसके नीचे रख दिए। क्या लाया था रे हमने? ये कुरकुरे, तो ये कुरकुरे लाए। और अभी हमें जयेश भाई को ट्राइपॉड कैसा पकड़ना है उसको सिखाना है, ये फ्यूचर यूट्यूबर बनने वाला है अभी। सो यार गाइस हमारा चैलेंज चालू ही था, तो जयेश भाई ने देखो ड्रेस चेंज, मतलब जैकेट वैकेट लेके आए भाई चालू चैलेंज के अंदर, गाड़ी से उतर के फिर से आए। अभी इसको एक बार तो माफ कर देते, कोई दिक्कत नहीं जाने दो। जैकेट लेके आए, शर्ट आगे रख दिया अभी गाड़ी के, और जैकेट लेके आए चालू चैलेंज में, मतलब चलते चैलेंज में ये पहली बार ये डिस्क्वालीफाई हो चुका है। लेकिन अभी इसको हम माफ़ कर देते, क्योंकि इसने इसलिए लाया क्योंकि रात को इसको ठंड ना लगे ज़्यादा, इसलिए वो लेके आए। ओके बाकी चैलेंज बिल्कुल सही चल रहा है और हम यहाँ पर मज़े ले रहे। ज़्यादातर हमारे पास दो मोबाइल है, इस वजह से ना टाइम पास कर रहे मोबाइल के अंदर, और काफ़ी टाइम अभी बिताया हमने इसके अंदर, लेकिन मोबाइल कैमरा भी लगाना और टाइम पास करना, इसलिए हम ज़्यादा कैमरा नहीं यूज़ कर रहे, बाकी टाइम पास अच्छे से चल रहा है इसके अंदर। ओके तो बाकी वीडियोस को देखते रहो, आगे मज़ा आने वाला है और वीडियो के अंदर। टाइमिंग दिखाना कर ले चल। सो गाइस ये देख रहा है मोबाइल, मैंने लगाया यहाँ पर कैमरा, और अभी मैं लगभग एक घंटे के लिए पढ़ाई करने वाला हूँ, देखते होती या नहीं। A few moments later. So guys, तो देखो ये जयेश भाई ने अभी न्यू ट्राइपॉड के लिए खरीदा था, उसके लिए ट्राइपॉड चाहिए था यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन 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 तो
इसके अनबॉक्सिंग करेंगे अभी। मैंने देखा नहीं कैसा है, कैसा है, भाई ने लाया है अभी कुछ देर पहले, तो चलो इसको खोल के देखते भाई ने बता दी। तो ये बेसिकली जैसे मैंने इसको ऑर्डर करके दिया था, देखते अंदर कैसा है। तो ये बेसिकली जो रिंग लाइट वगैरह होती है उसके लिए यूज होता है। भाई के लिए खरीदा था हमने ये बॉक्स, और ये माउंट है उसका, ये देखो गाइस माउंट, ओके। और ये रहा भाई का छोटा सा ट्राइपॉड बोल सकते हो, या स्टैंड है, काफी लंबा हो जाता है ये, कैसा होगा। अब जो है हम पंकज भाई के ऊपर प्रैंक करने वाले, जो कि यूट्यूबर है, तो उसको कॉल करेंगे न्यू नंबर से और उसको थोड़ा सा प्रैंक करेंगे। अभी आप लोग भी देखो क्या प्रैंक होने वाला आगे, मुझे भी नहीं ज्यादा पता नहीं, लेकिन मैं प्रैंक करने वाला, अभी इसका नंबर थोड़ा हाइड रखना है। तो चलो पंकज भाई को कॉल कर दिए, देखो पंकज भाई को कॉल करते है। नमस्कार, आप सबके साथ और सबके प्रयास से भारत ने 150 करोड़ कोविड टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। अपना टीकाकरण अवश्य पूर्ण करें भाई को कॉल और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें। नमस्कार, आप सबके साथ और सबके प्रयास से। सो गाइस, हमारे एक फ्रेंड है जो कि है मैर कुलदीप नाम से, वो ज्यादातर मैं उसके बाद फोन पे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन कभी कभी करता, देखते वो आवाज मेरी पहचान पाता है या फिर नहीं। वैसे अगर वो आवाज नहीं पहचानता है, न्यू नंबर से हम कॉल कर रहे हैं उसको, देखते भाई उसकी थोड़ी ऊपर, उसके ऊपर प्रैंक करेंगे थोड़ा सा, देखते क्या रिएक्शन आता है उसका, आपको भी दिखा दें। कॉल लग चुकी है गाइस, मैड कुलदीप, हेलो सर, मैं लुटेरा बाजार से आपका, यस सर, हाँ सर बोलिए, सर आप लुटेरा बाजार से बोल रहे हैं ना? हाँ जी सर बोलिए। सर हम जो है बिल्ड स्किल की वेबसाइट से बोल रहे हैं। हाँ सर। सर हम आपके साथ कोलैब करना चाह रहे हैं। ओके महेश भाई, बताओ कौन सा कोलैब करना है? ओ भाई तो गाइस देखो, हमने मतलब देखो अभी बाहर कुलदीप को, कुलदीप भाई को कॉल किया, कुलदीप भाई ने तुरंत पहचान लिया। भाई अरे यार, बोलो कुलदीप भाई क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस के साथ? अच्छा वीडियो बनने के भाई। हाँ भाई, तो भाई यार सारे भाई भाई की वीडियो को लाइक करें और फटाफट से, और सब्सक्राइब करें भाई के, फटाफट से फॉलो से ना मैं सब्सक्राइबर बढ़ाए, और बहुत सारा प्यार दे हमारे महेश भाई को। जी जी जरूर जरूर। और भाई अभी ना वीडियो आएगी 2-3 दिन बाद, अच्छा भाई एडिट होगी, तो जरूर देखना। ओके तो यार सो गाइस, तो मैड कुलदीप ने आवाज पहचान ली, इस वजह से प्लान जो फेल हो चुका है। अभी अगला कॉल लगाते हैं। सर गाइस, पहली बार भी पंकज भाई को कॉल लगाया तो उन्होंने उठाया नहीं था, अब फिर से लगाए, देखते क्या उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ बिजी है। Just 50 को
सो गाइस तो आदर्श भाई को अभी कॉल लगाई, अभी जयेश बात करेगा पहले। हेलो सर, हम बिल्ड स्किल की वेबसाइट से बात कर रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सर हम बिल्ड स्किल की वेबसाइट से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए सर। हम आपका यूट्यूब चैनल देखे हैं जी। सर हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करें। हम आपको प्रोडक्ट देंगे, कुछ रिवेन्यू देंगे थोड़ा सा जी। जी सर, तो आप इंटरेस्टेड है सर? इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर आपको जैसे प्रोडक्ट का रिव्यू कराना है जो प्रोडक्ट के लिए, तो मतलब जैसे प्रोडक्ट आता है ना तो आपको पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट का रिव्यू हम लोग करते हैं तो वो वीडियो पे थोड़ा बहुत जो है ज्यादा हम लोग ट्राई करते हैं कि व्यूज वगैरह उस पर थोड़ा ज्यादा आ जाए। जी सर, जी सर। वीडियो को ऑप्टिमाइज करना होता है तो थोड़ा पहले हमें बता दीजिएगा, एक वीक पहले प्रोडक्ट भेजने का, हाँ सर। लेकिन अभी जो हमारा एक ऑफर चल रहा है सर कि अगर आप पहले हमें कुछ हमारा एक अकाउंट नंबर है उसके ऊपर कुछ आप लोग थोड़ा पैसा डालना होगा, मतलब कि मानो कि ज्यादा नहीं डालना सर, बस $3 आपको उसके ऊपर डालना है, क्योंकि जो हमारा स्पॉन्सर है जो बाहर से आ रहा है सर, जो हमारा प्रोडक्ट है वो थोड़ा बाहर से आ रहा है, और हम चाहते हैं कि आपके साथ हेलो हाँ सर, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका से आ रहा है सर, तो वो बड़ा प्रोडक्ट है और आज तक हमने किसी को दिया नहीं वो प्रोडक्ट एक्चुअली में, और आपका चैनल लेकर हमने बहुत ही बढ़िया चैनल लाइक सर, आपको बस $3 सेंड करने हैं हमारे अकाउंट नंबर पे और आपका प्रोडक्ट 4-5 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा, उसके बाद आपको जो है $200 उसके दे जाएंगे आपको। आपका नाम क्या है वो बताइए तो। सर हम बात करें महेश निकम। हेलो हेलो सर, तो सर तो 24 घंटे का प्लान चल, मतलब सॉरी, तो 24 घंटे का यहाँ पर चैलेंज चल रहा है और आपके ऊपर हमने थोड़ा सा प्रैंक करने की कोशिश की, तो एक बात बताइए शुरुआती में आपको कैसा लगा? शुरुआती में हमें लगा कि पहले हमको तो अगर किसी को कहीं भेजना है तो राइट्स वगैरह हम मांग के भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे, तो प्रैंक करने की कोई ये नहीं है, बिल्कुल बनेंगे नहीं। लेकिन शुरुआत में कैसा लगा था आपको ऐसा? शुरुआत में लगा कि हाँ ठीक है कोई होगा, लेकिन जब अमेरिका से बोला तो हम समझ गए कि बेसिकली इंडियन कंपनी उसका प्रोडक्ट अमेरिका में बन ही नहीं सकता है। तो थोड़ा मतलब प्रैंक करने में थोड़ा दिक्कत हो गई हमें भी, कुछ सोच समझ के नहीं। सो गाइस, तो पंकज भाई का अभी कॉल आया था फिर से, पहली बार हमने कॉल किया उसने उठाई नहीं, अभी कॉल आया था, अभी फिर से उसको कॉल कर, वही बाकी रह गया था। इंडिया हैज अचीव्ड द लैंडमार्क ऑफ। हेलो सर, हम बिल्ड्स के लिए वेबसाइट से बात कर रहे हैं। सर हम चाहते हैं कि आपका जो चैनल है बहुत अच्छा है। हाँ महेश भाई बोल। अरे हर कोई आवाज पहचान लेता है यार मेरी। एक बार ऐसे काम बस में बात करते हैं बिल्कुल, अगर तू आवाज नहीं पहचानते तो भी समझ जाता है कोई प्रोडक्ट कर रहा है। अरे प्रैंक करना तो है लेकिन क्या करे, वही समझते आ रहा था, क्या ही समझना, अभी तेरे कॉल आ गई, वीडियो भी चालू था इसलिए। अच्छा अभी देखना वीडियो चालू ही ना, ये बाकी के बातें बाद में कर देना। तो ऑडियंस को क्या बोलना चाहेगा तू? आएगा ऑडियंस? हाय भाई, वीडियो चालू ही है, शूट चालू ही। अच्छा अच्छा, क्या बोलना चाहिए? कुछ नहीं बोलेंगे कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे बस यही करो। ये हर कोई बोलता है, कोई अलग बताओ कौन सा चैनल पे जाएगा? मेन चैनल पे। मेन चैनल पे कोई अलग बताओ यार, कोई अलग बोलो। अलग क्या मतलब भाई, आपके लिए कुछ अलग करेगा, अलग हटके जो कि अब तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं किया है, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है और क्या, बस यही बोलेगा। और क्या बोले तो ये बोल सकते हैं यार, डिमोटिवेट कर दिया तुमने। अच्छे कंटेंट बनाता है
मैं हाँ हाँ ठीक है तो कुछ अलग बोलो यार, अलग बोलो, अलग अलग बताओ कुछ ऑडियंस को, अलग क्या बताया, बताओ कुछ ऑडियंस को अलग बताओ, ऑडियंस को जो आपको किसी दूसरे चैनल पर देखने को नहीं मिला, एक्सप्लेन करने का तरीका पूरा अलग है। अच्छा। चलो इस तरीके से जो लोग एक्सप्लेन करते हैं उससे मतलब काफी अच्छा लगता है तरीका। बस 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 बहुत ज्यादा तारीफ हो गई तो पंकज भाई तो मतलब ज्यादा तारीफ कर रहे हैं अभी अभी, इनको लगता है कि कॉल रखना पड़ेगा गाइस। चलो जा, ओके हाँ। जो भी है पंकज भाई के मन में उन्होंने बता दिया, बाकी यार वीडियो बिल्कुल अंदर से बताया, बिल्कुल बताया। चलो ठीक है, तो ठीक है पंकज भाई वीडियो शूट हो रही है, चलो देखने को मिल जाएगी। ओके ठीक है, ठीक है। सो गाइस तो पंकज भाई और कुलदीप भाई और बस आदर्श भाई, आदर्श भाई ने तो लेट पहचान लिया, लेकिन आदर्श भाई स्टार्टिंग में थोड़े प्रैंक हो गए थे, लेकिन इतना खास कुछ ज्यादा प्रैंक किया नहीं हमने, तो सोच रहे और भी प्रैंक करेंगे हम, लेकिन अभी ये देखो यूट्यूब की फैमिली है तो इसलिए हमने आप लोगों को दिखाना चाहा। तो बाकी यार उनके चैनल के ऊपर जाओ देखो, बढ़िया लगेगा आपको भी। बाकी यार जो भी है अभी गाड़ी के अंदर हम यही करने वाले दिन भर, अभी जो 12 कितने बजे 1 बज के मतलब लगभग 1:15 बज रहा है, देखो गाइस अभी आपको दिखेगा नहीं, गूगल से पूछ लेते, नेट नहीं तो नेट नहीं भाई के मोबाइल में, नेट भी खत्म कर दिया, मतलब दिन भर 1 बजे तक नेट पूरा खत्म, 9 बजे से इतना मतलब नेट चला रहे काफी टाइम से, लगभग मेरा भी 1 GB गया है। तो बाकी यार चलो इसके अंदर मस्ती करते और ज्यादा कुछ नहीं, तो देखते रहेगा वीडियो को। स्टैंड लाउन भी करेगा ठीक है, चलेगा स्टैंड लाउन अपन, बस लास्ट बोट कर दे आई लेट वीडियो चलेगा। सो गाइस तो यार काफी ज्यादा टाइम हो चुका है हमें इस बेडरूम के अंदर, इस कार के अंदर, और भाई काफी ज्यादा थक चुके हैं इसके अंदर, मतलब यार बोरिंग सा लग रहा है कभी कभी, मतलब ये लाइट लगा के रखी थी हमने यहाँ पर, देखो ये देखो ये लाइट लगा के रखी थी, इसको बंद करना होगा अभी, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, इसके अंदर काफ़ी अंधेरा है, वही काफ़ी अच्छा है, लाइट का जो मोबाइल का सॉरी जो मोबाइल का ब्राइटनेस है स्क्रीन का वही काफ़ी है। और अब जो टाइम हो चुका है 8:28, मैं आप लोगों को गूगल से भी एक बार पूछ के बता देता हूँ टाइमिंग क्या हुआ है, और मुझे ठंडी ठंड लग रही थी तो मैंने एक टोपी पहन ली है। ओके गूगल व्हाट इज़ द टाइम, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं रात के मतलब 8:27 हो चुके, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जो है फिलहाल बस इसके अंदर हमें टाइम पास करना है अभी, पूरी रात इसके अंदर निकालनी है हम दोनों को। बाकी जयेश भाई हमारा कैमरा पकड़ के खड़े और मैं यहाँ पर टाइम पास कर रहा हूँ, तो चलो एक जगह पे कैमरा टिपका देते मतलब एक जगह पे रख देते और बस आराम करते इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वैसे हमने खाने के लिए लाया है, वो थोड़ी देर बाद हम खाएंगे, वो हमारा खाना भी इसके गाड़ी के अंदर कार के अंदर आने वाला है, घर के घर तो पास ही हमारा, तो हमें खाना वाना इसके अंदर सब कुछ इसके अंदर आने वाला है, बस इसके अंदर हमें टाइम पास करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो चलो टाइम पास ही करना है। सो गाइस तो हमारा खाना पीना आ चुका है, मतलब आज तो मकर संक्रांति है तो मुझे ज़्यादा भूख तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत खाना आ चुका है, तो यहाँ पर हमें आ चुका है भजिया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो। तो गाइस ये देखो हमें भजिया आ चुके हैं और ये हमारा नाश्ता कुरकुरे वगैरह है, और यहाँ पर देखो भाई दिलराज भाई की वीडियो चल रही है, ये हमारे जयेश भाई देख रहे हैं दिलराज भाई की वीडियो जो कि अभी आई है, बढ़िया। सो गाइस तो टाइम तो काफी देर से कट ही नहीं रहा है आप लोग देख सकते, और इसके अंदर यार बैठे बैठे अभी बोर हो रहे हैं, रात का टाइम है फिर भी, दिन के टाइम तो बहुत बोर हो गए। और जयेश भाई देखो ये स्क्रॉल कर रहे यूट्यूब देख रहे, और यहाँ पर आप लोग देखो ऊपर 9:50 हो चुके, मतलब लगभग 10 बजने वाले।
कार्तिक अभी जो है 10:11 हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 10:11 हो चुके हैं। जयेश भाई काफ़ी थक चुके हैं, पता नहीं उन्होंने क्या काम किया। वो बोल रहे कि अभी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तो मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन वो सो रहा है, लेकिन मैं भी थोड़ी सोने की मतलब देखते ट्राई करते। चलो सो जाते गाइस, गुड नाइट। ऐसा सो रहा तो ऐसे ही इधर सो, गुड नाइट। अभी पूरा मतलब कम्बल उम्बल के गाड़ी में, आप लोग सोच रहे कि भाई इतना पर्दा वगैरह लगा दिया फिर भी उनको मतलब ठंड लग रही है, हवाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मतलब ना आगे वाली हमने विंडो खोल के रखी ताकि थोड़ा सा जो है ना हवा आ सके अंदर, बाकी पीछे वाली है लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी ज़्यादा, इसलिए ठंड ज़्यादा लग रही। मेरी टोपी किधर है? इधर भाई, बहुत ज़्यादा ठंड। गुड नाइट गाइस। तो गाइस सुबह के 6 बज रहे हैं और बाहर जो है ना काफ़ी ठंड है, आप लोग देखो मतलब क्या देखे आप लोग, मैं महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार यहाँ पर। और मैं अकेला यहाँ पर हूँ, जयेश भाई रात के 3 बजे, अभी 3 बजे वो गायब हो चुका था, घर पे चला गया वो, क्योंकि उससे ज़्यादा ठंड लग रही थी बाद में, तो वो चला गया। अभी बस मैं यहाँ पर अकेला हूँ, तो मुझे बस ये पूरा करना है चैलेंज। तो गाइस यार तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मतलब लगभग 9:45 और अभी भी जो है बाहर देखो धुआँ है, मतलब जो धूप आ चुके है ना आज बहुत ज़्यादा धुआँ आ चुका है और इस वजह से धूप नहीं आ रही। देखो अभी लगभग छोटा सा सूरज मेरे को दिखने लगा है, वो पेड़ के पीछे है वो, देखो अभी आप लोगों को दिखेगा नहीं ताकि पेड़ आ चुका है बीच में। बाकी यार गाइस लगभग 9 बज चुके और हमारा चैलेंज जो अभी थोड़ी देर के बाद ही ख़त्म होने वाला है। और भाई तो मैंने जो है थोड़ी देर के पहले तो यहाँ से मेरे को चाय वाय आ गई थी, चाय आ गया तो इसलिए मैंने मुंह वगैरह धो लिया था और अभी गाने सुन रहा था।
बढ़िया आराम से। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर बिता रहो। जयेश भाई तो बहुत टाइम से निकल गए, रात को ही वो निकल गया था, तो वो अभी आया नहीं है। अभी मैं उसको कॉल करूँगा कि चैलेंज ख़त्म होने का जा रहा है तो तू आ जा, तो वो आ जाएगा। बाकी यार चैलेंज ख़त्म होने को थोड़ा सा ही टाइम बचा है, तो चलो। सो यार गाइस, बाकी धूप वगैरह तो अच्छी निकल आ रही है अभी, अभी भी थोड़ा मतलब धूप लग रही है तो अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखो इसको हटा दिया ताकि यहाँ से अंदर धूप आ सके और थोड़ा लाइट भी आ सके कैमरा को दिखने के लिए। ताकि यार देखो, तो यार गाइस अभी थोड़ी बहुत अच्छी सी धूप आ रही है, ये देखो। तो मैंने इस पर्दे को भी हटा दिया, ये देखो, ताकि अंदर धूप आ सके और मुझे अच्छा से दिख सके और कैमरे के अंदर भी। तो यार अंदर लाइट नहीं लगाई तो काफ़ी दिक्कत हो रही, कैमरा भी अच्छा से मैंने देखा रात को कि शूट वगैरह देखा कैसा हुआ, तो इतना खास तो नहीं बना है मैंने देखा, क्योंकि यार मतलब फ्लैश नहीं तो अच्छा नहीं बना वीडियो, तो सॉरी उसके लिए। तो बाकी यार यहाँ पर अंदर देखो अभी मैं कैसा ईयरफोन वगैरह लगा दिया है, चाय वाय हो चुका है मेरा, चाय पी लिया और थोड़ा नाश्ता भी कर लिया, मेरे को आ चुका था और मैंने यहीं से मुँह धो लिया था। और अभी जो है यहाँ पर देखो ट्राइपॉड रखा है, ये देखो ये ट्राइपॉड रखा है मैंने। अभी सोच रहे थे कि और शूट करेंगे, ज़्यादा शूट करेंगे, लेकिन मन नहीं करता यार इसके अंदर शूट करने का ज़्यादा, क्योंकि ट्राइपॉड को रखना वगैरह अकेला इंसान। अभी जयेश भाई आएंगे, उसका थोड़ी देर पहले मेरे को कॉल आया था कि भाई क्या चल रहा है, चैलेंज कैसा चल रहा है कैसा नहीं, तो उसको बोल दिया सब कुछ ठीक ठाक है। अभी वो आ रहा है, नहा धो के आएगा, तो देखते भाई उसकी रिएक्शन क्या होती है। बाकी यार गाइज एक नंबर के जो काम हमारे हो रहे हैं वो यही से हो रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये इतने 24 घंटे यहाँ पर कैसे बिता रहे। तो देखो साइड में हमारे कोई ऐसा इलाका है, आप लोग देख सकते हो साइड में, और यही से हम एक नंबर के काम कर रहे हैं। सो गाइज जयेश भाई आ चुके हैं, ये देखो जयेश भाई आ चुके, चैलेंज जो है बीच में छोड़ के गए थे, आते ही फोन, आते ही स्क्रॉल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तू गया, भाग गए, और मैं अभी अकेला यहाँ पर देख ट्राइपॉड वगैरह लगा के बैठा था। अभी कितना टाइम है, आधा घंटा, अभी 9 बज गया अभी। सो गाइस लगभग 9:01 हो चुका है और 9 मिनट बाकी हमारे बस चैलेंज खत्म होने को। तो चलो गूगल से टाइम पूछ लेते हैं। ओके गूगल, व्हाट इज टाइम? द टाइम इज 9:01 AM। सो गाइस तो लगभग 9:01 हो चुका है और हमारा चैलेंज 9 मिनट में खत्म होने वाला, मतलब लगभग खत्म हुआ है हमारा चैलेंज। तो मैंने जो है पूरी तरीके से चैलेंज को पूरा किया है और लगभग जयेश भाई ने जो है मतलब 2-3 घंटे चैलेंज नहीं किया है, मतलब लगभग उसने भी मान सकते हो कि 15-16 घंटे उसने हमारे कार के अंदर बिताए है, उसने भी अच्छा सा चैलेंज को पार किया है। बस यही था आज के चैलेंज के अंदर। अगर आपको ये चैलेंज पसंद आए गाइज एक लाइक तो जरूर से बनता है, ताकि आप पूरी हालत इसके अंदर बहुत ख़राब हो चुकी है और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर जल्दी से यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे इसके अंदर। तो बाय गाइज आज के लिए बस इतना ही।